रामलला के स्वागत को लेकर राम भक्तों का उत्साह चरम पे है। हर कोई भगवान राम को अपनी तरफ से उपहार देना चाहता है, इसलिए देश भर से उपहार अयोध्या भेजे जा रहे हैं। बिल्कुल, मिथिला से भी भगवान राम को उपहार स्वरूप स्वर्ण कोदंड अर्पित किया जाएगा, जिसे चेन्नई के कारीगर तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही जनकपुर धाम से प्राण प्रतिष्ठा के लिए चांदी का पान, वस्त्र और मिष्ठान भी भेजा जाएगा। अवधपुरी में आ रहे हैं प्रभु श्री राम। देश भर में उत्सव और उल्लास। रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे राम भक्तों में उत्साह बढ़ता जा रहा है और राम भक्त अपने आराध्य रामलला के भव्य स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। हर कोई भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनना चाहता है। देश भर से राम भक्त प्रभु के स्वागत में अलग अलग उपहार अयोध्या भेज रहे हैं। जाहिर है अयोध्या का मिथिला से सदियों पुराना संबंध रहा है। ऐसे में भगवान राम के स्वागत में महावीर मंदिर पटना की तरफ से राम लला को स्वर्ण का कोदंड यानी कि धनुष बाण भेंट किया जाएगा। खास बात है कि चेन्नई के कारीगर मिथिला परंपरा से स्वर्ण के कोदंड को बनाने में जुटे हैं, जिसे प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या लाया जाएगा। इसके साथ ही राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ और ससुराल जनकपुर धाम से भेजी गई सामग्रियों का भी उपयोग होगा। इसके लिए मिथिला की तरफ से चांदी का पान, वस्त्र और मिष्ठान अयोध्या भेजा जाएगा, जिसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रामलला को अर्पित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल नजर आ रहा है। वाराणसी में हो रही काशी तमिल संगम में भी श्री राम दरबार की अद्भुत लीला दिख रही है। यहाँ लकड़ी से बनी भगवान राम की प्रतिमा की डिमांड बढ़ गई है, जिसमें रामायण काल के अलग अलग घटनाओं को दर्शाया गया है। साथ ही राम भक्तों को राम मंदिर का मॉडल भी खूब पसंद आ रहा है। राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है और उस समय से राम के आधारित लीलाएं का बहुत आदर मिल रहे हैं, जो कि जितनी लुप्त हो गई थी कला, अब वो हमारे आर्ट में लोग देखना चाह रहे हैं, काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और यहाँ तमिल संगम में जब हम आए तो यहाँ से भी हमें राम दरबार का और भी राम जी का जो दृश्य है, जैसे भरत मिलाप हुआ, लक्ष्मण शक्ति हुआ, ये सब आडल जो है मिल रहे हैं और काफ़ी हमारी कला का विकास हो रहा है। राम भक्तों का जोश और जज्बा सातवें आसमान पर है। अयोध्या में भव्य उत्सव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब इंतजार सिर्फ भगवान राम के मंदिर में विराजने का है। अयोध्या से बनवीर सिंह, वाराणसी से ब्रजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।